मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। आज भोपाल, खंडवा, उज्जैन, छतरपुर समेत 133 नगरीय निकायों में 398 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। आज पहले चरण की मतदान में भोपाल नगर निकाय के वार्ड 25 और 19 के लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। हालांकि सर्वाधिक लोगों का कहना था कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव वो विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जमाने से वोट डालते हुए चले जा रहा है। विकास तो है ही नहीं, नालियों की सफाई है ही नहीं, पूरा पानी बह रहा है, पानी आता नहीं है नलों में, लाइट बार बार जाती है, जब नल का टाइम होता है तो लाइट चले जाती है। अब कहते हैं हम नाली की सफाई करवाएंगे, पानी देंगे, पानी का प्रेशर बहुत कम रहता है, नलों में पानी नहीं आता बराबर। मैं तो कब से सुनता हुआ चले आ रहा हूँ, जस के तस वैसा के वैसे ही है सब। क्या उम्मीद लगाएं इनसे, अब आप बताइए। सब अपने ही सोच रहे हैं, हमारा तो कोई सोचते नहीं है। आज हाथ जोड़ने आ गए, कल हम इनके हाथ जोड़ेंगे। मैं सिर्फ मुद्दों पर वोट देने आया हूँ, मुझे उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। कोई भी खड़ा हो, मुद्दा है सिर्फ अभी ये, पहले विकास होना चाहिए, जो चीज़ों के लोगों को परेशानी है उससे निजात मिलना चाहिए। सबसे बड़ा इस व्यवस्था में सब एक ही है कि लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है मूलभूत, वो मिलना चाहिए। जिस दिन वो मिलना शुरू हो जाएंगी, व्यक्ति अपने आप खुश रहेगा। आपका नाम क्या है? मैं रवीन अग्रवाल। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 19। आपके दिमाग में वोट देते समय क्या मुद्दा आया था? प्रत्याशी, विकास, देश? नहीं, मैं एक वोटर से नाते आपसे ये कहूँगा कि प्रत्याशी को वो मैं चुनना पसंद करूँगा जो विकास कार्य करे, साफ स्वच्छ वार्ड को बना के रखे और समाज की जो भी प्रॉब्लम है वो उसकी समस्या को वो दूर करे। और ये मेरा काम है कि मुझे किसको चुनना है, अगर मुझे ये मालूम है कि हाँ ये कुछ करके दिखा सकते हैं तो मैं उनको ही चुनूंगा। आपको बता दें कि भोपाल में भाजपा ने महापौर के मालती राय को, तो वहीं कांग्रेस ने विभा पटेल को चुनावी अखाड़े में उतारा है। इधर वार्ड 25 में भारतीय जनता पार्टी ने संजय यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने बशीर लश्करी को अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा है। इसके अलावे वार्ड 25 से विक्रम कटहिला, जगदीश यादव समेत कई अन्य प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। और वार्ड 19 में बीजेपी के महेंद्र सिंह ठाकुर, कांग्रेस के वसीम उद्दीन मैदान में हैं। आपका नाम? विकास कुमार बातल। आपका वार्ड क्रमांक? 25। अच्छा, आप मतदान के प्रति कितने उत्साहित हैं? 100%। आपके दिमाग में वोट देते समय कौन सा मुद्दा आया? प्रत्याशी का, विकास का, देश का, शिवराज का या मोदी का? विकास का। विकास का। तो आप किस किस तरह का विकास चाहते हैं? ये जो समस्याएं होती हैं अधिकतर पार्षद को लेते हुए, कि नालियां हैं, ये है, पानी की समस्या, किसी समस्या। आपका नाम? मोहम्मद रवि। वार्ड नंबर? 25। आप मतदान के प्रति कितने उत्साहित हैं? उत्साहित हैं। अच्छा, आपके दिमाग में वोट देते समय कौन सा मुद्दा आया? प्रत्याशी का, विकास का, शिक्षा का, देश का, शिवराज का या मोदी का? शिवराज का। मैम, कि काम अच्छा हो, यहाँ से सब काम अच्छा हो, काम होता नहीं है इसलिए काम के लिए अच्छे से उत्साह। आपका नाम? वार्ड नंबर? 25। आप मतदान के प्रति कितने उत्साहित हैं? काफ़ी उत्साहित। आपके दिमाग में वोट देते समय कौन सा मुद्दा आया? प्रत्याशी का, विकास का, शिक्षा का, देश का, शिवराज का या मोदी का? विकास का, शिक्षा का और देश का। क्या जनप्रतिनिधि आपके वार्ड का विकास करते हैं? आपकी नज़र में सबसे बड़ा इशू कौन सा है? मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवा और वृद्ध में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।